हम सब हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं और सुपर हीरो साइंस फिक्शन मूवीज़ में आपने ऐसे सुपर हीरोज़ तो देखे ही होंगे जो किसी भी चीज़ के आर पार चले जाते हैं। जैसे एवेंजर्स मूवी में विजन किसी भी चीज़ के आर पार चला जाता है, तो क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हम किसी भी चीज़ के आर पार जा सके? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर दीवारों या किसी भी सॉलिड चीज़ के आर पार जाना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे बातें जानने को मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। जॉन डेल्टन ने सबसे पहले दुनिया को ये बताया कि इस दुनिया में सभी मैटर यानी सभी चीज़ें एक छोटे से पार्टिकल से बने हैं, जिसे बाद में एटम का नाम दिया गया। और एटम्स के बारे में आपको एक बात बता दूँ कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स में करीब 99.9999999% खाली स्पेस होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक एटम को पूरे 30 जितना बड़ा इमेजिन करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स 30 के एटमोस्फियर के चक्कर लगा रहे होंगे, और उसका न्यूक्लियस एक फुटबॉल जितना बड़ा बिल्कुल उसके सेंटर में होगा, और इनके बीच में कुछ भी नहीं होगा, मतलब सब कुछ एक खाली स्पेस होगा। इसका मतलब हम इंसान, ये मोबाइल या ये कंप्यूटर जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका बेड या ये कुर्सी, सब कुछ एक खाली स्पेस है। लेकिन अगर ये सच है तो हम इंसान इन चीज़ों के आर पार क्यों नहीं जा पाते, या इवन लाइट यानी प्रकाश भी इन चीज़ों के आर पार क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि ये तो खाली स्पेस यानी एटम से बनी चीज़ें हैं। वेल, आज तक हम एटम को कुछ इस तरीके से देखते आए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का चक्कर तो लगाते हैं, पर किसी समय इनका पोजीशन बता पाना बहुत ही मुश्किल है। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बादल जैसा पॉसिबल एरिया बना देता है, और वो इस समय ऑलमोस्ट हर जगह होने की पॉसिबिलिटी रखता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने घर के पंखे को देखिए। जब वो अपने फुल स्पीड में होता है, तब असल में तो उसके तीन या किसी किसी में चार ब्लेड्स होते हैं, लेकिन उसके फुल स्पीड में होने के कारण उसकी ब्लेड्स की होने की पॉसिबिलिटी उस पूरे सर्कल में कहीं भी हो सकती है। जब पंखा बंद रहता है तब उसके ब्लेड्स के बीच में बहुत सारा खाली स्पेस होता है, पर जब वो अपने फुल स्पीड में होता है तब उसके ब्लेड्स एक टाइम में ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं। अब अपने सवाल पर वापस आते हैं कि अगर एटम मोस्टली एक खाली स्पेस है तो हम किसी भी चीज़ के आर पर क्यों नहीं जा पाते? वेल, जैसा मैंने बताया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्लाउड फॉर्मेशन बना के रहते हैं। जैसे मान लो आपका पंखा इनफिनाइट स्पीड में घूम रहा है और आप अपना हाथ पंखे के उस पार ले जाना चाहते हो, तो बिना ब्लेड के कांटेक्ट में आए आपका हाथ उस पार चला जाए, ये होना नामुमकिन है, क्योंकि आपका हाथ और फैन के ब्लेड्स एक ही समय पर एक ही जगह नहीं रह सकते। और यही बात इलेक्ट्रॉन्स पर भी लागू होते हैं, और इसे हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। और इस प्रिंसिपल के कारण हम किसी चीज़ के आर पार नहीं जा सकते, क्योंकि एक ही समय पर आपके बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स और उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर नहीं रह सकते। अब अगर हम कभी दीवारों के आर पार जाना चाहें तो वो हो पाएगा क्वांटम टंगलिंग की मदद से। क्वांटम टंगलिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल करीब एटम जितना, वो किसी भी सॉलिड बॉडी के एक बैरियर पेनिट्रेशन नाम के एरिया को पार करके जा सकते हैं। बैरियर पेनिट्रेशन किसी भी सॉलिड बॉडी का वो एरिया होता है जो किसी एक टाइम पर कम्प्लीटली खाली रहता है, यानी उस वक्त कोई भी छोटा सा पार्टिकल उस सॉलिड बॉडी के आर पार जा सकता है क्वांटम टंगलिंग के हेल्प से। तो अगर हमें भी विजन जैसी ये शक्तियाँ चाहिए तो हमें खुद को अरबों खरबों टुकड़ों में तोड़ कर दीवार के पेनिट्रेशन बैरियर को पार करना होगा और फिर से खुद को जोड़ना होगा, और आज के साइंस के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। इस वीडियो को मैंने जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश की है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और आपने स्कूल में रत्ता नहीं मारा तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक सुपर पावर दिया जाए तो वो क्या होगा, नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को अपने क्लास के हर बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।